नमस्ते प्रणाम, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और हार्दिक बधाई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम हो चुका है और फाइनल क्रम में आप सभी का मैसेज था कि भैया बताइए कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो सोचा हूं कि मैं आपको कट ऑफ बता दूं। वो भी कट ऑफ किसका, तो सिर्फ दिव्यांगजन का। जो भी दिव्यांग शिक्षक हैं हमारे बीपीएससी प्रधान शिक्षक के फॉर्म फिल किए हैं, तो उनकी दिव्यांगता को देखते हुए क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। इसके पहले बता दूं कि मेरा नया चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं, आपको समय रहते हुए जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए जो है सो देखते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। आप सभी दिव्यांगजनों को पता है कि दिव्यांगजनों की 4 कैटेगरियाँ होती है, जिसमें से 4% आरक्षण मिलती है। तो सबसे पहले आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो दिव्यांगजनों को 4% आरक्षण मिलती है और कोई भी जॉब होगा तो इसमें भी आपका हेड टीचर वाले में भी 4% ही आरक्षण मिलता है। 1% आरक्षण उन्हें मिलता है जो वी आई से कैंडिडेट का है, उनको 1% आरक्षण का लाभ मिलता है। और जो DD कैटेगरी में आते हैं, DD कैटेगरी में आते हैं, उनको भी 1% ही आरक्षण है। और जो OH कैटेगरी में आते हैं उन्हें भी 1% ही आरक्षण है। और जो MD कैटेगरी में आते हैं उन्हें भी 1% ही। टोटल दिव्यांगता का PWD का 4% आरक्षण है। 2016 आरपीडब्ल्यूएक्ट 2016 का जो नोटिफिकेशन आया दिव्यांगजनों का, उसमें 3% से बढ़ाकर 4% आरक्षण कर दिया गया। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि कट ऑफ VI का कितना रहने की उम्मीद है, DD का कितना रहने का उम्मीद है और OH से कितने जाने का उम्मीद है। तो VI के सबसे पहले जान लेते हैं। तो VI 48+ कितनी जाने की उम्मीद है, 48+। इस जो 48+ बता रहे हैं, इसमें आप 5 नंबर अधिक है और 5 नंबर माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे अगर 48 नंबर आ रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा हेड टीचर में। DD का बात कर ले तो इसमें 50+ उम्मीद है, 50 नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट जो है सो हो जाएगा। बहुत उम्मीद है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, कितना, 50+। OH कैटेगरी में थोड़ी सी कट ऑफ अधिक जाती है, इसलिए अधिक जाती है कि OH कैटेगरी में बहुत सारे दिव्यांगजन होते हैं और इनकी संख्या और कैटेगरी से ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी कैटेगरी में कट ऑफ जो है 55+ जाने की उम्मीद है। और MD कैटेगरी में आपका जो है सो 42+ कट ऑफ जाने का उम्मीद है। अगर इतनी आ रही है हेड टीचर में, BPSC आपका हेड टीचर में, तो समझिए कि आपका जॉब और आपका रिजल्ट आने की 80% आशा है। कितनी परसेंट, 80%। 80% क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं भी कोई जो है सो अनुमान का ही बता रहा हूँ। मेरा जो कट ऑफ है इस पर यह 100% जो है सो सच नहीं है। मैंने जो एनालिसिस किया है, आप सभी शिक्षकों से बात किए हैं, उन्हीं के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए थे आंसर किया है, उन्हीं के आधार पर बता रहा हूँ। तो उम्मीद रखिए कि 80% सटीक मेरा कट ऑफ जाने का चांस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।